दोस्तों अभी कुछ लड़के मेरे पास आए कि बोले कि डॉक्टर साहब हम कभी सेक्स करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद भी कुछ समय तक उनके लिंग से छिपछिपा पानी निकलता रहता है, क्या ये बीमारी है बीमारी नहीं है? तो आप सब जान लो जो भी छिपछिपा पानी निकलता है सेक्स के पहले या सेक्स के बाद या हैंड प्रैक्टिस पहले हैंड प्रैक्टिस बाद या ब्लूप्रिंट देखने के बाद इस जो भी निकलता है ये लुब्रिकेशन होता है, ये चिकनाई होती है। जब भी हम सेक्स विचार दिमाग में आता है तो हमारे शरीर के पेशाब के रास्ते के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती ग्लैंड होती हैं जो काम है कि चिपचिपा लिक्विड निकालना या प्रोस्टेट से चिपचिपा पर लिक्विड निकलता है उसका काम होता है पेशाब के रास्ते को थोड़ा लुब्रिकेट करे जिससे स्पर्म बाहर आए तो उसको नुकसान न पहुँचे, नंबर वन। नंबर टू, इवन जब सेक्स के जाओ तो वहाँ भी योनि को भी लुब्रिकेट करे। तो अब सेक्स करने के बाद भी हैंड प्रैक्टिस करने के बाद भी उत्तेजना हमारा 15-20 आधे घंटे तक रहता है, अथवा कभी सेक्स के लिए तो भूल गए उसकी जो खुशी एन्जॉयमेंट कुछ समय तक रहता है और जब तक उसका एन्जॉयमेंट खुशी रहेगा ये चिपचिपा पानी आता रहेगा। जितना ज़्यादा उत्तेजना रहेगा उतना ज़्यादा चिपचिपा पानी आएगा, पहले भी बाद में भी, ये कोई बीमारी नहीं है। ये मत सोचो तुम्हारे वीर लीक कर रहा, भाई ये वीर नहीं है, चिपचिपा पानी लुब्रिकेशन होता है, चिकनाई होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई इलाज जरूरत नहीं है। आई होप इसे नॉलेज मिली कि चिपचिपा पानी क्यों आता है, पहले या बाद में, ठीक है।